सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द एडमिशन प्रोसेस ऑफ महाराजा शिवाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एज वेल एज फेमस एज एमएसयू बड़ौदा। एमएसयू बड़ौदा का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा लाइक सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि इसका एडमिशन जो है गुजरात स्टेट के अंडर होते हैं, गुजरात स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो कि ACPC है, गुजरात ACPC। अब इसके लिए जो नॉन GPAT है उनके लिए एग्ज़ाम होते हैं गुजरात PGCET, और जो GPAT वाले हैं वो डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट्स एंड अदर डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो आप देख रहे हो ये है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी अंडर MSU बड़ौदा। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी आप सोच रहे हो कि मैं ये जो दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं गुजरात में उनमें एडमिशन लूँ या फिर MSU में एडमिशन लूँ, बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। ये LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यू नो, ये सारे कुछ कॉलेजेस जो है या फिर जो गुजरात का GTU है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टिपिकल प्राइवेट कॉलेजेस जो कि सो कॉल्ड फेमस है, तो उनके कंपैरिजन में MSU इज़ फार बेटर। ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में लाओ ही मत कि मैं इस कॉलेज को चूज़ करूँ या फिर MSU बड़ौदा को। ऑफकोर्स MSU का चूज़ करो। सिमिलरली अगर आप ईस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आप लोग चूज़ करते हो कि मैं जादवपुर में एडमिशन लूँ, यहाँ पे बहुत सुना है पॉलिटिक्स है ये है, या फिर एक प्राइवेट कॉलेज में लूँ। आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे, जैसे MPharm कंप्लीट होगा आप लोग समझ पाओगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक कंप्लीटिंग आवर मास्टर्स फ्रॉम ए प्राइवेट कॉलेज सो कॉल्ड फेमस और एक एक्चुअल यू नो ओल्डेस्ट एक हमारा लाइक एक बेस्ट कॉलेज। हो सकता है वहाँ पे अभी थोड़ा लाइक प्लेसमेंट ना हो, बट इट डजंट मीन कि वो बेस्ट नहीं है अभी, बेस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट। सो ये है डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे आपको लाइक MSU के जितने डिटेल्स सब मिल जाएंगे। तो प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स इन फार्मेसी पे चलते हैं। मास्टर्स इन फार्मेसी ओपन करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हो आप लोग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एक अलग से है, क्वालिटी अश्योरेंस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एज वेल एज फार्मास्यूटिक्स। अब इसके एडमिशन के लिए आपको चले जाना है गुजरात ACPC के अंडर। आप लोग सर्च करोगे गुजरात ACPC, ठीक है, इसको सर्च करोगे तो आप यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। दोनों वेबसाइट ही है बट इस पे सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा जो नोटिफिकेशंस वगैरह है, जैसे कि आप देख सकते हो रिवाइज की डेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करेंगे मास्टर्स इन फार्मेसी को। यहाँ पे आपको मिलेंगे ME और MPharm, MPharm और ME का साथ में होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस साल का डिटेल्स, लाइक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगा यहाँ पे, नीचे आपको मिलेंगे जो रिवाइज्ड प्रोफेशनल की डेट्स है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, डिसिप्लिन वाइज PGCET के रिवाइज स्कीड्यूल है, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब कुछ आपको मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो की डेट्स को देख लेते हैं, ठीक है, की डेट्स कौन कौन से हैं इसको एक बार क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स क्लिक हियर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, दिस इज़ द रिवाइज्ड की डेट्स, मतलब इस की डेट्स को अभी फॉलो किया जाएगा। तो अभी देखो जो नॉन GPAT स्टूडेंट है उनके लिए जो PGCET कंडक्ट होंगे, ठीक है, फॉर नॉन GPAT स्टूडेंट MPharm, वो हो गए 27th को और 28th को, जुलाई के 27th और 28th को होंगे हमारे PGCET एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल राइट। अब किसी के अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा तो वो 7 और 8 के लाइक 7 तक वो हो जाना चाहिए, उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। एंड GPAT वालों को डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना है, GPAT वालों के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इस पर GPAT का भी आएगा, नॉन GPAT का भी आएगा साथ में, लेकिन GPAT वालों का अभी नहीं आएगा, PGCET हो जाने के बाद ही आएगा, ओके। फिर चलो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फिर राउंड वन पे आप लोग क्या करोगे, लाइक आपको एक प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट पर आपका एक रैंक आ गया, मतलब आपका मेरिट रैंक आपको दे दिया गया, GPAT वाले हो नॉन GPAT वाले हो दोनों के लिए ही। अब उस रैंक के बेसिस पे आपको ये जो देख रहे हो आप लोग ना, लाइक अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, फिलिंग एंड ऑल्टरेशन ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर मॉक, पहले तो मॉक राउंड होगा, फिर फिलिंग एंड चॉइस ये होगा 17th to 19th August। तो इस टाइम स्पान पे आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, मतलब चॉइस फिलिंग,
आपको कॉलेजेस कौन कौन से आप कैसे रखोगे ऑर्डर वाइज वो देना है, एंड सब्जेक्ट भी ऑर्डर वाइज आपको देना है। मतलब मैं सबसे पहले एमएससी बड़ौदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिक्स, देन फार्माकोलॉजी, देन क्यूए, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग करते हैं चॉइस फिलिंग। उसके बाद रिजल्ट आएगा राउंड वन को 22nd पे, ठीक है। फिर जिनको एडमिशन लेना है वो टोकन अमाउंट फीस यहाँ पे ऑनलाइन देंगे। फिर कमेंसमेंट्स ऑफ द एकेडमिक टर्म और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसी फिर आ जाएगा 27th को, मतलब कितने खाली सीट्स हैं उस हिसाब से सेकेंड राउंड होंगे 31st ऐसे कुछ, ठीक है। अब बाकी डिटेल्स की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सिंपल है, बहुत कुछ खास इस पे है नहीं। जो जीपैड वाले हैं उनको जीपैड के हिसाब से जाना है, जो नॉन जीपैड है यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉन जीपैड कैंडिडेट्स शैल हैव टू अपीयर इन द पीजीसीटी टू बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशन, ओके ऑलराइट। और जो जीपैड वाले हैं उनको जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटी जीपैड के स्टाइपेंड देते हैं वो देंगे, जो नहीं देते हैं वो नहीं देंगे। आप भले जीपैड हो नॉन जीपैड हो नो मैटर, ठीक है ऑलराइट। भले आपका एडमिशन जीपैड के थ्रू हो। और यहाँ पे जो फीस रखा गया है 1000 नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, और कुछ है नहीं ज़्यादा डिटेल्स। एंड एडमिशन प्रोसेस के कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसको भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप गुजरात SCP से लिखना, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, कैसे आपको सब कुछ प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, आप PGCET हो गया, अब मेरिट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग, एडमिशन कंफर्म, ये कैसे होगा, वन बाय वन सब कुछ दिया है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सिंपल करके, कुछ खास नहीं है यहाँ पे ऑलराइट। इसके बाद एग्ज़ाम जो लोग दोगे, ठीक है, जो नॉन जीपैड वाले आप लोग एग्ज़ाम दोगे, आप सबके लिए एग्ज़ाम का डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम का डिटेल्स आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा PGCET के जो डिटेल्स हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आपको PGCET की डिटेल्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे एम फार्म के लिए जो सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, वो PH है, ठीक है। अब एम फार्मेसी के लिए क्या कैसे टाइप का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का, और 100 मिनट्स आपको दिया जाएगा। मतलब 100 मार्क्स के एक नंबर करके है 100 क्वेश्चन, और 100 मिनट आपको, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट आपके लिए है, ठीक है। तो ध्यान से एग्ज़ाम सेंटर क्या है, इन चारों में से कोई भी आपको मिल सकता है, बट मेनली जो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वही दिया जाता है फार्मेसी वालों को, मैंने देखा है, बट कोई भी मिल सकता है आपको। एक तो MSc बड़ौदा मिल सकता है, SS गांधी मिल सकता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर LD कॉलेज। अब देखो एडमिट कार्ड को लेकर आपके कुछ सवाल होते हैं तो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। नो सेपरेट कॉल लेटर इशूड फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट, द कैंडिडेट शैल हैव टू रिमेन प्रेजेंट एट हिज ओन कॉस्ट, हिज और हर ओन कॉस्ट, ठीक है, एंड दे हैव टू ब्रिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप कम हॉल टिकट। वही जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा आपका वही हॉल टिकट है, ठीक है, वही आपको लेकर जाना होगा, और एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल। एन एग्जामिनेशन सीट नंबर इज सेम एज द एप्लीकेशन नंबर एलोटेड, ओके। इन केस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर PGCET द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन शैल बी नोटिफाइड एट द कमिटीज वेबसाइट। नॉर्मली नहीं होता है, वही स्लिप होता है, जो वही रजिस्ट्रेशन का स्लिप होता है वही हॉल टिकट होता है, ओके ऑलराइट। इस पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सिलेबस क्या है आपका, नॉर्मल BFarm का सिलेबस वही है। सो दिस इज़ ऑल। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इस पे क्लिक करोगे तो प्रोफेशनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स फॉर MPharm 2023-24, नो मैटर इस साल भी यही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सीट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, सेल्फ फाइनेंस कितने हैं, जैसे कि BK मोदी है हमारा एकदम प्योर गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट जिसमें लोएस्ट पैसे लगते हैं, एकदम मतलब एकदम लोएस्ट पैसे, सो BK मोदी। फिर सेल्फ फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ये प्राइवेट कॉलेजेस है, सेल्फ फाइनेंस मतलब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस है इंस्टीट्यूट्स। इस पे आपको ऐसे ऐसे करके सारे लिस्ट मिल जाएंगे, तो टोटल जो सीट्स है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, कौन से कैटेगरी के लिए क्या है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन डिटेल्स। तो सीट फीट, कौन से कॉलेजेस आप कैसे रखोगे काउंसलिंग के टाइम, सब कुछ ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसे आपको ये जो कॉलेज है रमन भाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एंड डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हो। और अगर किसी दूसरे कॉलेज के बारे में आपको जानना है कि कैसा है पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड नॉट ओनली टू मी, कोई भी आप इस कॉलेज से बिलोंग करते हो जानते हो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, ऑल टाइम मैं देख नहीं पाता कमेंट्स को, ठीक है ऑलराइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। कोई भी
सोच रहे हो MSU में एडमिशन लूँ कि नहीं, GTU में लूँ कि नहीं, या फिर जो दूसरे कॉलेज है LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज. गुजरात के कॉलेजेस बेस्ट है फॉर MPharmacy. थैंक यू सो मच.